ये हमारे घर की प्रक्रिया है जिसके अंदर हमारी आग के अंदर काजल लगाया जाता है। अभी शक्ल थोड़ी गंदी गंदी सी काली काली सी लग रही है। अभी बस 5 मिनट में नहा के आया। 5 मिनट आप मेरे लिए, आपके लिए नहीं, मैं 1 सेकंड में आपके लिए आया। 5 मिनट में नहा के आया, बस अभी आया। टन तुम्हारा भाई नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुका। बता देना भाई कैसा लग रहा हूँ। मतलब हल्की फुल्की बातचीत है ना, अपनी महंगी वाली बातचीत तो होती नहीं है। चश्मे से आई कांटेक्ट बन नहीं रहा, तो चश्मा हटा के बात करते हैं। अभी की बातचीत कुछ ऐसी है, सुबह के बज रहे भाई 11-12 बजे मैं सोके उठा था। इससे पहले जो आपने मेरी बुढ़ी शक्ल देखी थी वो 12 बजे सोके उठने की बात थी, क्योंकि मैं रात को यार व्लॉग ना एडिट कर रहा था तो एडिट करने में ज्यादा टाइम लग गया। और मेरा एक दोस्त था वो भी आया हुआ था, तो उसके साथ थोड़ी बातचीत होने लग गई, तो रात रात में कब रात निकल गई पता नहीं चला। तो सुबह के 5 बजे सोया और 12 बजे उठा। अभी की बातचीत कुछ ऐसी है, अभी चल रहे भाई हम इंडिया गेट घूमने के लिए, और वहां पर कुछ काम भी है अपन को, वो भी निपटाएंगे। तो रेडी हो चुके हैं पूरा, ज्यादा बिना बकपकाए सीधा बाइक पे चलता हूं। बाइक पे अपना गोप्रो अभी है नहीं अपने पास, तो गोप्रो पे बात नहीं होगी। जहां बीच में रुकेंगे आपसे बात करते रहेंगे। और बात करने से भाई एक चीज और याद आई, भाई जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पर बढ़िया बढ़िया पोस्ट डलते हैं। और जो स्टोरीज अभी जो बीच में होगा, जो यहां नहीं दिखेगा वो इंस्टाग्राम पे दिखेगा, तो जाके फॉलो करो। यूजर हैंडल यहां पर आप देख रहे हो, जल्दी से जाओ फॉलो करो, काफी मजा आएगा। तो इस व्लॉग को शुरू करते हैं। अभी आ चुका हूँ भाई इंडिया गेट, जस्ट मेरे सामने ही है। और यहाँ पर आज रश भी ज़्यादा कम है, जैसे कि देख रहे हो भाई जितनी चहल पहल यहाँ पर रहती है आज नहीं है। सारे लोग अपने घर पे ही दिवाली वगैरह मना रहे हैं, जो भी है। अभी चलते हैं इंडिया गेट, थोड़े फोटो वगैरह खींचेंगे वहाँ पर, और इसके बाद जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए, उसके बाद अपना घर जाना है। यहाँ पर मेरा प्लान था कि मैं ड्रोन भी फ्लाई करूँगा, बट दिक्कत ये आ गई, मैंने पुलिस वालों से परमिशन ली, बट उन्होंने ये कह दिया कि भाई यहाँ पर ड्रोन फ्लाई करना अलाउड नहीं है, सो ड्रोन नहीं हो पाएगा यहाँ पर। बट हम चलते हैं, देखते हैं इंडिया गेट पे, थोड़ी फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। ये देखो इंस्टाग्राम की यूजर हैंडल होगी, जाके फॉलो कर लो यार, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजा आता है। और ये देखो अंग्रेज अंदर, हेलो, ये तुम्हारे भाई को हेलो कर दिया। तो चलते हैं इंडिया गेट। इंडिया गेट अपने सामने, अपने शॉर्ट्स वगैरह तो देखे। ये देखो भाई इंडिया गेट कितना गोरा लग रहा है। और यहाँ पर चैनी खैनी चल रही है अंकल की, बड़े अंकल चैनी खैनी चैनी खैनी चल रही है अंकल की। और यहाँ पर लोगों के देखो फोटो वगैरह, अंकल थोड़ा घबरा से गए, अंकल साइड हो गए, बाकी कोई बात नहीं। रश देख लो इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत है, जितना भी है वो मैंने आपको दिखा दिया है। और अब यहाँ से निकलते हैं भाई कुछ खाने पीने के लिए। आ गए हैं भाई सीपी में, और सीपी में आए और जैन चावल वाले के पास ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी सामने जैन चावल वाला है और उसके सामने हम खड़े हैं। यहाँ पर हमने लिए भाई नान के प्लेट, ये रही नान के प्लेट, और 2 कोल्ड कॉफ़ी ली थी जिसमें से एक पूरी दम हो चुकी है। टेस्ट पसंद नहीं आया जो मेरे साथ है, बट मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि भाई आई लव दिस। बाकी हेलमेट ये पड़ा हुआ है। अब निकलेंगे घर, क्योंकि यार शाम हो गए, शाम के बज रहे हैं 5, और घर वालों के साथ भी दिवाली मनानी है, दोस्तों के साथ भी मनानी है, जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो इसको निपटा लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद घर पे मिलते हैं। घर पे आने के बाद भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा काम हो गया था, क्योंकि जो कुर्ता पजामा मैंने पहन रखा है इसके नीचे मेरे पास जो जूती है मैं लेके आया हूँ ये थी नहीं, मैं जाके लेके आया आने के बाद। और काजू की बर्फी जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है वो लेके आया। उसके अलावा मैं घर पे जब नहीं था, जब मैं सीपी के अंदर था, तो एक मेरा सब्सक्राइबर है नजफगढ़ में ही रहता है, तो उसने मेरे को एक गिफ्ट दिया है, मतलब मिठाई का डब्बा दिया जो कि नीचे रखा हुआ है। ये गिफ्ट भी भाई उसी ने बनाया था बर्थडे पर मेरे, और उसको भाई बोलूँगा थैंक यू यार, इतना मतलब तू मेरे लिए करता यार, थैंक यू। और अभी का क्या सीन है भाई, अभी चल रहा है भाई नीचे, अभी हमारे घर में पता है क्या हो रखा है, मतलब हमारे घर का रूल है या आपके घर में भी होता है, देखो इस कमरे की भी लाइट जला रखी है, इस कमरे की भी, यहाँ की भी, यहाँ की भी, यहाँ की भी, मतलब टोटल पूरे घर में लाइट जला दी गई है। और नीचे भी दिए जलाने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है।
यहाँ पर भाई पीओ के अंदर देख लो जो भी रूई वगैरह लगाई जाती है वो लगा रहे हैं, और ये हमारा मंदिर है। मेरी मम्मी बिना बात के हंस रही है, क्यों हंस रहे हो मम्मी? बोलेंगे नहीं, पीटने के लिए। मुझे पीटोगे? इतना दम तो किसी में नहीं है, चीते को कोई पीट सके, बाकी मेरी मम्मी पीट सकती है। देखो मार देना, मारना उन्होंने दोबारा, ये देखो दोबारा, मतलब पिटते रहते हैं। और ये हमारे घर के डॉन है जिन्होंने नीला कुर्ता पहन रखा है, ये भैया है, और ये हमारा मंदिर है। अभी यहाँ पर हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर मेरे पापा घंटी बजाते हुए, और लाइन में बहुत सारे बंदे लगे हुए हैं लक्ष्मी माता के लिए, कि लक्ष्मी अभी सीधी यहाँ से गेट से एंट्री करेगी, उनके हाथों पे गड्डियाँ आएंगी, ऐसा बोला जाता है। लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए, बाकी तुम्हारा भाई भी उसी लाइन में है। गा तो लोग, सिर्फ ताली बजाओगे, सिर्फ ताली बजा रहा है, गा कुछ नहीं रहा। सारी डन हो चुकी है, जो जो करना था पूजा की जितनी प्रक्रिया होती है सारी डन हो चुकी है। भगवान जी से हमें जो जो मांगना था वो हमने मांग लिया है। और यहाँ पर भाई खीर बताशे जो कि बांटे जाते हैं कॉलोनी में, तो अब अपनी कॉलोनी में बैठेंगे। और अब आप देखोगे थोड़े ड्रोन शॉट जो कि रात के मैं निकालने वाला हूँ, अभी जाऊंगा छत पे और ड्रोन शॉट निकालूंगा। उसमें से ट्राई कर लेते हैं कुछ जला के, एक दो ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो भाग रे बाबा भाग, ओ तेरी, वेरी तेज आवाज है, वेरी वेरी तेज। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ मैंने बाहर पटाखा फोड़ा, और अब मैं अपने कैली का हाल दिखाता हूँ, मतलब उसको आवाज सुनने के बाद उसका क्या हाल होता है। ये देखो सामने कालू, क्या हुआ, पटाखा फूटा है? भाई साहब कांप रही होगी, कांप रही है पूरी, लिटरली पूरी कांप रही है, पूरी बॉडी उसकी कांप रही है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, अपनी फोड़ रहा, बस एक ही फोड़ रहा है, ज्यादा नहीं फोड़ रहा, एक ही। आ जा। मेरी लाइफ में ना सिर्फ भाई मेरे को दो चीजें खाने को बहुत टेस्टी लगती है, एक तो हो गया अपना चिकन, और दूसरी होगी अपनी मैगी जो मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। यहाँ मैगी तैयार हो रही है, और यहाँ इसकी जो ग्रेवी तैयार हो रही है मैंने खुद बनाता हूँ भाई मैगी, ये बटर के अंदर बन रही है, और ये यहाँ पर मिर्च अभी काट के अंदर इसके डालूंगा, फिर ये मैगी जाएगी इसके अंदर, और जो टेस्ट आएगा लाजवाब आएगा। मेरी मैगी बनाए रेडी हो चुकी है, और तुम्हारा भाई खाने के लिए भी रेडी हो चुका है, काफी रात हो चुकी है। यहाँ पर तुम्हारे भाई ने ले लिया एक पेप्सी, ये मैगी, और ये काजू कतली जो कि तुम्हारे भाई को बहुत ज्यादा पसंद है। अब इसके पास सिर्फ एक चीज रह गई है भाई, हमारे में क्या होता है कि जो दिया होता है ना, दिए के अंदर कालिक बनती है, उस कालिक को ना आंखों के नीचे लगाया जाता है, ऐसे पता नहीं क्यों करा जाता है, मेरे को नहीं पता, अभी थोड़ी देर में मेरे को वो लगाया जाएगा। बाकी मैगी तैयार हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, जैसे कि बटर में बनाई थी तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगी। काजू कतली ये, और ये जो चीज़ है ना भाई, ये मेरे को गिफ्ट मिली है, और एक ये चीज़ जो है ये मेरे को गिफ्ट मिली है मेरे एक के तो दोस्त ने दिया है, और ये जो मैंने आपको बताया था मेरे सब्सक्राइबर ने दिया है। तो अब काजल का वेट कर लो, काजल कैसा लगता है? ये हमारे घर की प्रक्रिया है जिसके अंदर हमारी आग के अंदर काजल लगाया जाता है। ये पता नहीं कहाँ से आया, मेरी मम्मी भी हंस रही है कि इसका ब्लॉग बना, ये देख रहे हो? अरे लगाओ, जल्दी लगाओ, अभी देखा मेरी शक्ल, लाई 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 लाई, पता नहीं क्या बना दिया मेरे को, आंखों में से पानी आ गया। ये पता कैसे करते थे, जैसे दिया होता ना, दिए जहाँ जल रहा होता है उसके ऊपर कटोरी रख देते तो काला उसके ऊपर जम जाता है, वो ऐसे आंखों के नीचे लगा दिया जाता है। भाई साहब अजीब सा ही लग रहा हूँ, ठीक है अब सो जाते हैं, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में,
टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो अगर आपको मेरी स्टोरीज देखनी हो, फोटोज देखनी हो। यूजर हैंडल आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होगे और ये देखो सब्सक्राइब का बटन आ रखा होगा, वहाँ पर सब्सक्राइब करो और ये बेल आइकन आ रही है, बेल आइकन को भी दबा लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओम।